हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है टायर अपसाइज गाइड के बारे में। सो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी का टायर अपसाइज कराएं, थोड़ा चौड़ा टायर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपके कार की रिम है उसकी चौड़ाई को जानिए। ये यूजली 5.5 GA या 6.5 GA ऐसे होती है। एंड देन ऑनलाइन आप इस पर सर्च कर सकते हैं कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम टायर विड्थ क्या है। सो फॉर 6.5 × 17 मिनिमम इज़ 195 mm एंड मैक्सिमम इज़ 235 mm। सो ये मेरी रिम पे मैं मैक्सिमम 235 का अपग्रेड करा सकता हूँ, बट ये कंपनी प्रिस्क्राइब नहीं करती। उनके हिसाब से वो लोग यूजली जो परफेक्ट फिट है 215-60 वही साइज़ का टायर देते हैं, क्योंकि ये परफेक्टली फिट होता है एंड ना ज़्यादा अपसाइज ना ज़्यादा डाउन साइज, सो एकदम परफेक्ट साइज़ का टायर होता है। सो आप भी अपने रिम के हिसाब से अपने टायर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक नाइंसाफी जो हुंडई क्रेटा में देखी जाती है कि ये चारों टायर पे इंस्टॉल करते हैं 215-60 17 इंच के टायर, बट अगर आप पीछे स्टेपनी देखते हैं उसमें ये बेस वेरिएंट के टायर ही प्रोवाइड करते हैं एंड डेट टू स्टील रिम। सो वो स्टेपनी का जो यूजुअल टायर साइज़ है वो है 205/65R16, जो कि यूजुअली लोअर वेरिएंट्स में देखा जाता है। तो उन्होंने सेम चीज़ कॉस्ट कटिंग के लिए जो हायर वेरिएंट्स है जैसे कि SX या SX एग्जीक्यूटिव, उसमें भी सेम टायर ही प्रोवाइड कर दिया है। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप अपसाइज करना चाहते हैं तो परफेक्ट टायर का साइज़ पता कीजिए। देन जो टायर का साइज़ है जैसे कि R17, उसको आप अगर R18 या R19 करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इससे आपकी जो राइड कंफर्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। एंड देन आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स लाइक सस्पेंशन, उसमें भी डैमेज होने की संभावना है। अगर आप कंपनी प्रिस्क्राइब लिमिट में टायर को अपग्रेड कराएंगे देन सस्पेंशन एंड राइड पे इतना फ़र्क नहीं आएगा। एंड स्पेशली मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर कंफर्टेबल राइड के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल क्रेटा के लिए भी 16 इंचेस में आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा कंपेयर टू 17 इंच। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे प्लीज़ कमेंट में डालिए। एंड क्रेटा के लिए 16 इंचेस ही परफेक्ट अपग्रेड है। थैंक यू।